सहारनपुर थाना सरसावा व क्राइम ब्रांच ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कब्जे से लूट के 70,500 रुपये नगद, मोटरसाइकिल और अवैध असलाह कारतूस के बरामद। सहारनपुर थाना सरसावा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा जंगल ग्राम जगहेता नजीर चोपड़ा बाग के पास हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 अवैध तमंचे, 315 बुर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 नाजायज चाकू और लूट के 70,500 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल बिना नंबर सहित पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। मैं अभी 23 नवंबर को एक घटना हुई थी, दिन दहाड़े एक लूट हुई थी। एक आदमी जो कमलदीप नाम का था, जनपद शामली का रहने वाला, वो बाइक से जा रहे थे, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनके ऊपर फायरिंग करके उनका बैग छीन लिया था। बैग में करीब 1,62,000 रुपया था और उनका टैप था और कुछ और कागजात थे। उस घटना का सफल खुलासा हुआ है हमारी क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने और सरसावा पुलिस ने मिलकर किया है। उस घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से लूट का 70,500 रुपये बरामद हुआ है, तमंचे आदि बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त अभी और शेष है, उसकी गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है। जो शेष पैसा है जो उसके हिस्से में गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद वो भी बरामद हुआ। इस प्रकार इस घटना का, जो दिन दहाड़े की लूट की घटना हुई थी व्यापारी के साथ, उसका सफल अनावरण करने में सफलता मिली पुलिस को। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास भी है? ये अच्छे अपराधी है, पहले भी लूट के मामलों में जेल गए हैं, अभी इनसे और पूछताछ जारी है। इनका जो फरार साथी, उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हमारा तेजी से चल रहा है।